निर्जल उपवास कैनी वाणी निराहार हो, निर्जल उपवास कैनी वाणी निराहार हो, तीज के व्रत हम उठावनी तोहार हो। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय YouTube चैनल मिस्टेनिस शर्मा। सो गाइस, कैसे हो? आई होप कि अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और पता है मतलब मैं ये लुक किस लिए क्रिएट की हूँ आप लोगों को बता देती हूँ। रेड एयरिंग्स है, रेड साड़ी है, और ये देखो रेड चूड़ी है मेरे। सो गाइस, फेस्टिवल आ रहे हैं, वो है हम लोग का सबसे बड़ा फेस्टिवल, आप लोगों को पता है, जो माना जाता है मतलब हर सुहागन के लिए, क्या है, तीज। महापर्व जो होता है ना तीज, तो तीज ओकेजन ऐसा है जो मतलब श्रृंगार, 16 श्रृंगार जो बोलते हैं ना, 16 श्रृंगार करके लेडी रेडी होती है, और फिर मतलब उस दिन मतलब ढेर सारी शॉपिंग होती है, मेहंदी वगैरह होते हैं, मतलब हर चीज़ एक्साइटेड हो जाते हैं, कुछ दिन पहले से ही तीज की तैयारी में लग जाते हैं, और मतलब और तैयारी करने के लिए कोई मेकअप पार्लर जाते हैं तो कहीं कहीं जाते हैं। सो गाइस, मतलब मैं इसीलिए अपने घर पे ही मेकअप एक क्रिएट की हूँ, तीज मेकअप लुक। सो गाइस, देखो मैं किस तरह से मेकअप की हूँ, और अगर आप लोग को भी पसंद आए तो इस तरह से मेकअप जरूर करना, मुझे तो बहुत पसंद आया। देखो मैंने कितने अच्छे से अपने हेयर स्टाइल को मतलब अपने फेस को मतलब तीज पे जो एक होना चाहिए ना, रेड जो होता है, रेड चूड़ा, रेड साड़ी, रेड इयरिंग्स, मतलब रेड बिंदी, रेड लिपस्टिक, हर चीज़ मतलब रेड मैं की हूँ। सो गाइज, अगर ये वीडियो हमारा आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना, और जो भी नए हो प्लीज़ हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। सो गाइज, देखो कैसी लग रही हूँ मैं, बताना हमारा मेकअप लुक कैसा है। सो चलिए देखते हैं, मैं मेकअप स्टार्ट करती हूँ, चलिए देखते हैं कैसी मेकअप की। तो गाइज, मैं यहाँ पे एक फ़ेस क्लीनर ले ली हूँ, और इसे अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर ले रही हूँ, ताकि जो भी डस्ट वगैरह हो हमारे फेस पे वो अच्छे से क्लीन हो जाए। और फिर मैं उसके बाद मैं ले ली हूँ यहाँ पे नेचर्स का, मैं एलोवेरा मॉइस्चराइजर ब्यूटी जेल है, जो कि काफ़ी अच्छा है, और मतलब हमारे फेस को काफ़ी मतलब जो कहता है ना, नेचुरल लुक देता है। सो फिर मैं ये लेके और टैप टैप की सहायता से मैं अच्छे से अपने फेस पे मिला ले रही हूँ। सो गाइज, मैं इससे पहले तो मैं यहाँ पे मैं यूट्यूबर लोग को देखी हूँ, मतलब जो भी फेस पे मतलब मेकअप वगैरह करते हैं, तो मैं उन्हीं लोग को देख करके मैं भी ये ली थी, काफ़ी अच्छा है और काफ़ी बढ़िया है, मुझे बहुत पसंद आया। सो मैं यूट्यूब पर ही देख करके मैं ये ली हूँ, और काफ़ी बढ़िया है। और फिर मैं इसके बाद यहाँ पे लेने जा रही हूँ प्राइमर, और प्राइमर है हुंडा ब्यूटी का प्राइमर है। सो मैं यहाँ पे ये इसे भी ले लूँगी, और टैप टैप की सहायता से इसे अच्छे तरह से मिला ले रही हूँ, और ये काफ़ी बढ़िया है, वाटरप्रूफ है। और मैं तो ये साड़ी मतलब मैं मेसो से ही मंगवाई थी, मैं आप लोगों को बताई थी, और सो मतलब मैं हमेशा यही यूज करती हूँ। इससे पहले मैं स्विच ब्यूटी का यूज करती थी, बट वो हमारे पास नहीं है, अभी ख़त्म हो चुके हैं, तो मैंने देखा था ये मीशो से, तो मैं सोची चलो मैं मंगा लेती हूँ। और फिर मैं यहाँ पे ले ली हूँ फाउंडेशन, ये यहाँ पे फिटमी का, मैं मैबलिन का यहाँ पे ले ली हूँ, मैबलिन फिटमी का है ये, और काफ़ी अच्छा है ये, मतलब ऑयली जिसका स्किन हो उस पर काफ़ी अच्छा लगता है लगाने से। सो हमारा तो नॉर्मल और मतलब आप ड्राई स्किन दोनों पे आप लगा सकते हो, मतलब ऑयली पे भी लगा सकते हो और ड्राई पे भी लगा सकते हो। सो काफ़ी अच्छा मतलब ये लुक देता है, और काफ़ी अच्छा मतलब नेचुरल लगता है ये लगाने पर, मतलब ज़्यादा जो ओवर होता है ना, ओवर मेकअप, वो नहीं दिखता है। सो काफ़ी अच्छा ये है। और फिर मैं यहाँ पे ले ली हूँ कंसीलर, और ये कंसीलर मैं ली हूँ फैशन ब्यूटी का कंसीलर है, मैं हमेशा यही यूज करती हूँ,
और फिर मैं इसे लेके और जहाँ पे मतलब मुझे दिख रहे हैं डार्क शो हल्के हल्के आइस के नीचे और मतलब लिप के नीचे फॉरहेड के पास जहाँ जहाँ पे मुझे दिख रहे हैं सो मैं यहाँ पे ले ली हूँ। और फिर मैं इसको अच्छे से मिला लूँगी। मैं काफ़ी ज़्यादा ले रही हूँ क्योंकि मेरे फेस पे जो है ना मतलब डार्क सर्कल बहुत ज़्यादा है, आइस के नीचे भी है और लिप के पास भी ब्लैक ब्लैक से है। सो मैं इसको मतलब छिपाने के लिए मैं ये यूज कर रही हूँ। और ये देखो काफ़ी मतलब अच्छे से मैं मिला ले रही हूँ, फिर भी जो है हमारा मतलब दिखता ही है। सो गाइज अगर आप लोग कुछ ऐसा जानते हो तो मुझे बताना कमेंट करके, जो हमारा डार्क सर्कल कैसे मिटे सो हमें दिखाना बताना, जो मैं क्या करूँ जो हमारे मतलब आइज़ के नीचे जो भी डार्क सर्कल है वो मिट जाए। और फिर मैं देखो इसको काफ़ी अच्छे से मिला ली हूँ। और फिर मैं यहाँ लैक्मी का रोज पाउडर ले ली हूँ और फिर मैं यहाँ पे ब्रश की सहायता से मैं इसे अच्छे से मिला ले रही हूँ। ये भी पाउडर काफ़ी अच्छा है और काफ़ी अच्छा लुक देता है, मतलब जो भी मैं मेकअप की हूँ सारे को मतलब सेट करने के लिए मैं यहाँ पे अच्छे से लगा ले रही हूँ। सो गाइस मेरा मिरर यहाँ पे बार बार आ जा रहा है और मुझे पता नहीं चला मेकअप करते समय जो मतलब कैमरा में सिर्फ मिरर दिख रहा है। सो गाइस इसके लिए सॉरी। और यही देखो मैं बार बार आ जा रहा है। और फिर मैं यहाँ पे जा रही हूँ मैं मतलब मेकअप करने, आईज़ मेकअप करने। सो मैं यहाँ पे रेड साड़ी पहनी हूँ और ये रेड साड़ी पता है ये रेड साड़ी मेरी फर्स्ट एनिवर्सरी पे मतलब मेरे पापा जी मुझे दिए थे, मैं मतलब मेरे ससुर जी जो अब मतलब इस दुनिया में नहीं रहे। सो हमारे मतलब ससुर जी ही ये साड़ी दिए थे तो मैं सोची चलो इसी पे मैं तीज मेकअप कर लेती हूँ। और रेड भी था तो रेड में तो तीज पे रेड रेड काफ़ी अच्छा लगता है। सो मैं इसीलिए रेड साड़ी पे ही मैं पहनी हूँ और मैं मेकअप कर रही हूँ। सो मैं यहाँ पे अपने आईज़ को देखो यहाँ पे अच्छे से रेड रेड कर ली हूँ और काफ़ी अच्छा है। पता है ये मेरा ख़त्म नहीं हो रहा है, मेरा ये जो मेकअप किट आप लोग देख रहे हो मेरा शादी के टाइम का ही है ये। सो मतलब मैं जब भी सोचती हूँ मैं इसको ख़त्म कर ही दूँगी फिर इसके बाद मैं दूसरा मंगवाऊँगी। सो फिर मैं यहाँ पे देखो जा रही हूँ ब्लश करने, ब्लशिंग करने। सो अपने फेस पर रेड रेड मैं रेड ही ले ली हूँ यहाँ पर और अपने फेस पर हल्के हल्के से मैं ज़्यादा नहीं कर रही हूँ, आप लोग को नहीं दिख रहे होंगे, हल्का हल्का दिख रहे हैं क्योंकि मैं हल्का ही यहाँ पे की थी, जो ओवर मेकअप मैं यहाँ पे नहीं करने जा रही हूँ, मैं यहाँ पे हल्का ही कर रही हूँ। और पसंद भी ओवर मेकअप भी है मुझे बट मैं यहाँ पे नहीं कर रही हूँ, मैं हल्का सिर्फ कर रही हूँ। और देखो काफ़ी अच्छा मतलब मैं कुछ ज़्यादा प्रोडक्ट भी यहाँ पे मैं यूज़ नहीं की हूँ। और फिर देखो मैं यहाँ पे लेने जा रही हूँ ये हाइलाइटेड है और हाइलाइटेड को मैं काफ़ी पसंद करती हूँ क्योंकि फेस पे हमारा जो है ना मतलब हाईलाइट कर देता है, नोज हो, लिप के पास हो, फॉरहेड के पास हो, चीक के पास हो, आप कहीं भी लगा लोगे तो काफ़ी मेकअप के बाद ये ऊपर से लगाने से काफ़ी हाइलाइटेड करता है। सो गाइस मुझे उतना आइडिया नहीं है और मैं मतलब यहाँ पे कर रही हूँ, धीरे धीरे सीख रही हूँ। सो आप लोग मतलब ये मत बताना। और देखो मैं बार बार जब भी मैं मेकअप कर रही हूँ तो मिरर आ जा रहा है पास में। और सो मुझे बताना, ऐसे मैं देखती हूँ, मैं यहाँ पर सीख ही रही हूँ मेकअप करना। सो देखो मैं हाइलाइटर लगाने के बाद अपने आईब्रो फिल करने जा रही हूँ और मैं आईब्रो को अपने अच्छे से, पता है मेरे आईब्रो भी थोड़े से बढ़ गए थे तो मैं जस्ट ही आईब्रो भी बना ली थी अपना घर पे ही, मैं आप लोगों को इसका भी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की हूँ। सो मैं यहाँ पे आईब्रो को काफ़ी अच्छे से आईब्रो पेंसिल से मैं फिल कर रही हूँ, ये हमारा ब्लू हेवेंस का पेंसिल है और मैं इसी से करती हूँ, वाटरप्रूफ भी है, काफ़ी अच्छा है तो कम बजट में। ये पता है आप लोगों को कितने में है ये, लगता है ये 10 रुपीज़ में है शायद, हाँ तो काफ़ी अच्छा दिया लुक और मुझे पसंद भी है। कम दामों में और अच्छी चीज़ मिल जाए तो क्या मतलब इतने महंगा ख़रीदने का क्या ज़रूरत है। सो देखो काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे, मैं मेकअप आईब्रो अपना फिल कर ली हूँ आईब्रो ब्रश की सहायता से। सो देखो काफ़ी अच्छा लुक आ गया ना। और अब बचा हमारा आई मेकअप।
सो मैं जा रही हूँ यहाँ पे मैबलिन का आईलाइनर है तो मैं यहाँ पे आईलाइनर करने जा रही हूँ। आईलाइनर के बारे में तो मैं आपको हमेशा बताई हूँ, जब भी मैं आईलाइनर करती हूँ तो मेरे आईज जो है वो फड़फड़ाने लगते हैं। सो मतलब कोई नहीं, चलो फिर भी मैं कर लेती हूँ अपने पे खुद से। एक आईज में मेरे अच्छे से हो जाएंगे, दूसरे में फड़फड़ाने लगते हैं, फिर भी मैं कर लेती हूँ काफ़ी अच्छा से। सो गाइज, हमारा ये वीडियो आप लोग को पसंद आए तो ये प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना। और हाँ, जो भी नए हो प्लीज़, नए आप देख रहे हो हमारे चैनल को, प्लीज़ जाकर के पहले आप लोग सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, फिर हमारे वीडियो को एंजॉय करो। सो गाइज, और हाँ, लाइक करना बिल्कुल ही ना भूलना, और फैमिली मेम्बर जो भी हो आपके फ्रेंड सर्किल में जितना हो सके उतना शेयर ज़रूर करना। सो यहाँ देखो, मैं आईलाइनर को काफ़ी अच्छे से लगा ले रही हूँ, और मतलब मुझे आईलाइनर लगाने में थोड़े से वक्त लगते हैं। सो अब मैं एक आईज हमारा कंप्लीट हो चुका है और मैं दूसरी आईज में लगा ले रही हूँ। सो अभी मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं चल रही है, मतलब मैं आप लोगों को बताई हूँ, फिर भी मतलब मैं सोची नहीं तीज मेकअप लुक मुझे डालना है। सो इसी वजह से मैं सोची चलो कर लेती हूँ, मूड नहीं कर रहा था, फिर भी मैं कहीं नहीं, काम काम होता है, करना है। सो फिर उसके बाद मैं यहाँ पे काजल यूज कर रही हूँ, NY का काजल है। सो काफ़ी अच्छा है, इसका भी मैं रिव्यू आप लोगों को बताई हुई हूँ जो मैं ये पर्पल से मंगवा आई थी। सो मैं यहाँ पे देखो काफ़ी अच्छा पतला काजल ही लगाई हूँ, काफ़ी अच्छा लग रहा है ना। सो और पता है, एक साइड मेरी बाबू भी सोई हुई थी तो मैं जल्दी जल्दी कर रही थी। और सो अब मैं जा रही हूँ अपने लिप को मतलब थोड़े से अच्छे से, मतलब यहाँ पे जो है लिप लाइनर है मैं उसको यहाँ पे लगा ले रही हूँ। लैक्मी लिप लाइनर यूज करती हूँ, इससे क्या होता है ना, जो ओट जो है लिप है हमेशा सॉफ्ट रहते हैं। सो मैं यहाँ पे लगाने के बाद उसके बाद मैं जा रही हूँ लिपस्टिक यूज करने के लिए, और मैं NY का लिपस्टिक भी यूज कर रही हूँ। आप लोग को देख रहे होंगे रेड लिपस्टिक है NY का। सो यहाँ पे तो रेड की ही ज़रूरी है, सो इसीलिए मैं यहाँ पे रेड लिपस्टिक भी लगा ले रही हूँ। और फिर देखना हमारा लुक काफ़ी प्यारा लगने लगेगा, काफ़ी अच्छा लग रहा है ना देखो। और फिर मैं यहाँ पे मस्करा भूल गई थी आईज मेकअप में, तो मैं सोची चलो कुछ भूल रही हूँ तो मैं सोची चलो मतलब मस्करा यूज कर लेती हूँ। सो मैं यहाँ पे फिर मस्करा लगा ले रही हूँ काफ़ी अच्छे से। अब पता है मस्करा लगाते से मेरे आईज के नीचे भी लग गए थे, तो कोई नहीं, मैं उसे अच्छे से थोड़े से साफ़ कर ली थी वहाँ पर। और फिर ये लगाने के बाद देखो काफ़ी अच्छा लगता है, घर पे अगर तीज हो या फिर कोई भी फेस्टिवल हो इस तरह से मेकअप करोगे तो काफ़ी अच्छा लुक देता है। मुझे तो मेकअप करना बहुत ही पसंद लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। सो मैं कर लेती हूँ, ऐसा एक्चुअली होता क्या है ना, जैसे मैं मेकअप कर लेती हूँ बट जब भी हमारा पूजा वगैरह कुछ भी हो तो मैं इतने अच्छे से मेकअप नहीं कर पाती हूँ। सो अब मैं अपना हेयर स्टाइल देखो कर ली हूँ, और इयररिंग्स वगैरह भी पहन ली हूँ, और बैंगल्स भी पहन, अभी नहीं मैं बैंगल्स पहनी हूँ। यहाँ पे मैं मेकअप फिक्सर यूज करने जा रही हूँ, जो कि मैं मेकअप जो भी की हूँ वो इसको सेट करेंगे। और पता है, ये मेकअप फिक्सर और प्राइमर दोनों मैं साथ में ही मंगवाई थी मीशो से, आप लोग को बताई थी, रिव्यू दी थी। जो आप लोग नहीं देखे हो हमारे पिछले वाले वीडियो में जाकर के आप लोग देख सकते हो, मैं इसका रिव्यू आप लोग को दी थी। सो मैं यहाँ पे बैंगल्स भी पहन ली हूँ, और ये देखो पता है, ये फर्स्ट एनिवर्सरी पे हमारे हस्बैंड हमें गिफ्ट किए थे ये, मतलब चूड़ा बनवा करके। और मैं सिर्फ बोली थी और मुझे पता भी नहीं था कि जो वो बनवा करके ही देंगे। सो गाइज, आज का हमारा ये मेकअप लुक कैसा लगा आप लोग, अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।